मैं कोई बड़ी स्टार नहीं हूं कि भाई मैं तुम्हें कहूं तुम हमारी वजह से व्यूज लेते हो मैं मैं नहीं कह सकती मैं तो छोटी सी अदना सी बंदी हूँ भाई और रिएक्शन का रिएक्शन देती हूँ और अपनी लिमिट में औकात में रहते हुए बात करती हूँ मैं तुमसे भी गंदी वाली जबान इस्तेमाल कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये शोभा नहीं देता और वो भी मोबाइल मार्केट में चलते चलते अचानक ख्याल आया कि नोशी का मैंने ब्लॉग देखा था बस ना ना बेहोश हो जा तो जी जनाब कंट्रोवर्सी क्वीन जो है जब नानी से मिल ही चुकी थी तो इनको क्या जरूरत थी वाइटी पे आके ढिंडोरा पीटने की तो मेरे मुझे मिलने नहीं दिया मासूम बनने की क्या जरूरत थी और दूसरों को कंटेंट देने की क्या जरूरत थी जबकि इनकी मुलाकात नानी से हो चुकी है नाना की मुलाकात नानी से जब हो चुकी है वो मिल चुकी हैं गिफ्ट भी ले चुकी हैं तो फिर यहाँ पे आके ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी मुझे तो निकाल दिया उन्होंने तो ये कंटेंट खुद बनाते हैं और फिर दूसरों के मुंह में डालते हैं फिर अगले लोग रिएक्शन देते हैं तो फिर इन्हें बेहोशी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं सिर्फ ड्रामा है जस्ट व्यूज के लिए और कुछ भी नहीं मुल्तानी के रिएक्शन पे नाना बीमार नाना जब शीशा पीती है उस टाइम भी बीमार नहीं होती जब पिज्जा खाती है उस टाइम भी बीमार नहीं होती जब तले हुए नान पीस खा रही होती है उस टाइम भी बीमार नहीं होती जब खट्टे खट्टे पानी पीती है ठंडी ठंडी बोतलें पीती है उस टाइम भी बीमार नहीं होती जब शीशा पीती है उस टाइम भी बीमार नहीं होती बीमार में रिएक्शन से हुई और वो भी वो वाला रिएक्शन पॉजिटिव ना कि गाली दूसरी बात यह कि मेरे पे टैग अभी लगाया गया झूठ बोला गया जो कि वो ये बोला गया कि मैंने कहा दवाई वो खाती है तो फिर क्या हुआ हम तो बॉडी शेमिंग करेंगे न ना न ना न ना न जूठे वो मैं कहती हूँ वो वॉइस लेके आओ वो क्लिप लेके आओ फिर मेरे सामने आके बात करो झूठ मत बोलो अपनी कबर काज खुद बढ़ा रहे हो तुम लोग ठीक है ना ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर करके व्यूज की बात की कि व्यूज कमाने आते हैं यहाँ पे भाई व्यूज हर बंदा कमाने आता है आप भी व्यूज कमाने आ रहे हो और आप व्यूज कमाने के लिए बैठे हो तो पीछे बीवी कपड़े सुन सुन के करिए पहनने ये कौन सा तरीका है जो मैले हैं उनको साइड पे रखो जो पहनने पहनने वाले हैं वो साइड पे होते हैं हमेशा ये अजीब है कि भाई कपड़े सूंघ सूंघ के सुटी जाओ रखी जाओ और ये जो बॉडी शेमिंग की बात की है कि आप करते हो अपनी बीवी के साथ जहां पे आप कैमरा रखते हो ना वो बॉडी शेमिंग होती है छाती के ऊपर कैमरे मारते हो आप वो बॉडी शेमिंग है और मैंने ये अल्फाज नहीं दोहराए मुझे इतना शौक नहीं है किसी की बॉडी शेमिंग करूं ठीक है ना वो तो ये ब्लैक मेलिंग इमोशनल ब्लैक मेलिंग जो है ये मेरे सामने तो नहीं चल रही भाई और मैं मुतमिन हूं अपने रिएक्शन से मैंने कोई गलत बात नहीं की कोई गाली नहीं दी जस्ट रिएक्शन का रिएक्शन दिया है जो कि इन्होंने खुद वीडियो बनाई उससे पॉइंट उठा के मैंने बात की वो इनकी मर्जी है मेरे पे जो भी इल्जाम लगाए अच्छा जी सुनने में आ रहा है अर्भी, जी जो है वो सलमा के पास जा रही है सऊदी अरब देखते हैं जाती हैं या नहीं जाती उसके बाद जो पता चला है वो है पहुंच गई अपनी सौतन के घर चौधरी को ढूंढने और तीन चार कमरों में जाक के कहाबो है चौधरी, चौधरी, भी है? चौधरी जी दो दिन से गायब और बेबो उन्हें ढूंढे जा रही है कहा है मेरे बलमा बलमा कहाँ है, है तू और किस हीरोइन के साथ फिर रहा है कहाँ गुल छड़े उड़ा रहा है बेबो है सदमे में चौधरी के पूरी वीडियो देखने के लिए आगे चले और वीडियो देखें वीडियो देखने से पहले लाइक कर दिया करो बत्ता मेजो नाजरीन कैसे आप सब ठीक है उम्मीद है कैरे से होंगे नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया जी जनाब जलने की बुआ है चंगी पली आ रही है हाँ मेरा एक रिएक्शन जो कि रिएक्शन पे रिएक्शन दिया उसको मुद्दा बना के आ, जो है पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है मुल्तानी अगर हमारे बच्ची को कुछ हो गया तो हम तुम तो पे केस करेंगे आओ करो केस ठीक है ना तो भाई यहाँ पे अगर इन लोगों की टट्टी बंद हो जाए मुल्तानी पे केस इनको खांसी आ जाए मुल्तानी पे केस इनको डिकार आ जाए मुल्तानी पे केस इनकी रोटी हजम ना हो मुल्तानी पे केस मैं कहती हूँ इन्हें बेहोशी के दौरे पड़ जाए मुल्तानी पे केस बेटा खट्टी चीजें मत खिलाया कर और इसके कोलेस्ट्रोल का भी इलाज करा है कुछ तो भी ये तो दुबई की सड़कों पर भी हो सके थी तो वहां पर भी ही थी अच्छा एक शाहरुख भाई आपसे बात करना चाह रही हूँ बड़े अदब एहतराम से बात कर रही करी हूं। आप मुझे बगैर गर्दन वाली कहें गर्दन वाली कहें व्यूज़ की बुखी कहें आज जब भी ये बंदा वीडियो बनाता है ना ये लोगों के व्यूज़ के पीछे इतना टेंशन में है कि भाई ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं भाई सारी दुनिया यहाँ पे व्यूज़ के लिए कर रही है यहाँ पे बाबा जी का ठुल्लू कोई नहीं लेने आया हर बंदा व्यूज़ के लिए कर रहा है हर बंदा चैनल चलाने के लिए कर रहा है ये मैंने पहले भी बात की थी आज भी फिर कर रही हूँ जी जनाब इन्होंने एक मुद्दा बनाया आ, अच्छी खासी खेलती हंसती कूदती एना दिन नाना नागिन जो है वो अच्छी खासी जो है मोबाइल ले रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं बाहर जाके जब गोल गप्पे खाएंगे खट्टी चीज़ें खाएंगे पीजे खाएंगे पीस खाएंगे मतलब इस तरह की चीज़ें खाओगे तो तबीयत तो ख़राब आनी है मतलब तो डिकार भी होने हैं तबियत भी खराब होनी है कुछ भी होना है तो वही वो हम पे ही केस डाल दो तुम लोग अच्छा जी इनकी एक वीडियो है उसमें मैंने रिएक्शन दिया और रिएक्शन का रिएक्शन ही दिया मैंने और मेरे ख्याल से ना गाली दी है ना मैंने उसमें कोई बुरा भला कहा है अच्छा दूसरी बात बात मैं ये कहना चाहूँगी बेटे दोबारा जाके वीडियो मेरी देख उसमें मैंने बॉडी शेमिंग की बात ही नहीं की बॉडी शेमिंग की बात ही नहीं की और वहाँ पर बैठ के ये झूठ बोल रहा है वो कहती है हम तो करेंगे बॉडी शेमिंग वो क्लिप लगा जहां पे मैंने ये कहा है मैंने नहीं भेजना कॉपीराइट मैं इतनी दिल की हॉली नहीं हूं ठीक है ना वो क्लिप लेके आओ जहां पे मैंने कहा है कि बॉडी शेमिंग आ, करेंगे यार शर्म करो डूब मरो तुम अपनी बीवी को बेड पे उठते बैठते लटकते उसका कैमरा ही तुम वहां पे ही रखते हो सीने के ऊपर तुम करते हो बॉडी शेमिंग सबसे बड़े बॉडी शेमिंग तुम उसकी करते हो जब भी कैमरा घुमाते हो गलत जगह पे रखते हो तुम मैंने कहा कहती है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब रहती है मैं मेडिसिन खाती हूँ मैंने कहा यहाँ पे हर बंदा बीमार है हर बंदा मेडिसिन खाता है बस ये बात की है मैंने और कह रहा है कि वो कहती है मैं बॉडी शेमिंग करूँगी और भाई मैनू कोई शौक नहीं है मुझे नहीं है कोई शौक ये लंबी चौड़ी बातें ये बकवास याद अपने पास ही रखो मुझे नहीं है ज़रूरत जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ ना वो फिर आई है मेरी लाइफ में और उन्होंने फिर कहा कि नौशीन मेरे पे फिर वीडियो बनाओ अच्छा लगता है कॉमेडी वीडियो तुम बनाती हो की बात करें तो जी ये बंदा मोहतरम जो है मेरे ख्याल में रेटिंग पे आने के लिए मतलब मेरे ख्याल से इस तरह की बातें करते हैं और कुछ भी नहीं इनको उस टाइम भी बेहोशी के दौरे नहीं पड़े जब ये जो है इनके मामा जान ने इनको घर से निकाला ये इनके अल्फाज है मेरे नहीं है इन्होंने अपनी वीडियो में बोला तो उसको देख के रिएक्शन दिया है मुझे कोई ख्वाब आया था नाना साहब की वीडियो देख के ही रिएक्शन दिया ना रिएक्शन के बदले रिएक्शन दिया हाँ टैग की बात की आखिर वजह क्या है जो उन्होंने जो है नहीं मिलने दिया नानी को उन्होंने अपनी वालदा को नहीं मिलने दिया उसकी वजह होगी ना कोई और उसकी वजह यही है कि इन्होंने वीडियोस बनाई थी उसके बिना पे उन्होंने जो है इनको नहीं मिलने दिया टैग की बात कर रही हूँ ठीक है और उसको बढ़ा चढ़ा के मुल्तानी के बारे में भाई वीडियो मैं अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी मैं कोई बड़ी स्टार नहीं हूं कि भाई मैं तुम्हें कहूँ कि तुम हमारी वजह से व्यूज लेते हो मैं मैं नहीं कह सकती मैं तो छोटी सी अदना सी बंदी हूँ भाई और रिएक्शन का रिएक्शन देती हूँ और अपनी लिमिट में औक़ात में रहते हुए बात करती हूँ मैं तुमसे भी गंदी वाली ज़बान इस्तेमाल कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये शोभा नहीं देता कि मैं इस तरह के अल्फाज यूज़ करूँ किसी के लिए जी मेरे रिएक्शन को जो है जनाब सुनने में आ रहा है कि नाना ने देखा वो फिर उसकी तबीयत खराब हो गई फिर जो है हलबली मच गई कि भाई नोशीन के रिएक्शन पे जो है मेरा पड़ा है रिएक्शन जाए देखें कल शाम का और देखें उसमें क्या गलत बोला है मैंने कौन से बेहोशी के दौरे की दवा उसमें मैंने मिला के डाली है कि जो देखेंगे वो बेहोश हो जाएगा तो मुझे पता है मैंने किस हद तक रह के किस लिमिट में रह के बात करनी है जनाब एक बंदा ये बंदा जो है वीडियो बना रहा है पीछे बीवी जो है ना कपड़े चुक चुक के सूंघ के इधर फेंक करिए फिर कपड़े सूंघ के इधर फेंक करिए मतलब क्या है यार कौन सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो इनकी वीडियो देख के वाकई बंदा दस भी रिएक्शन दे देना तुम लोग इन्जॉय करो लेकिन इग्नोर करते हैं हम लोग एक लिमिट में रह के बस ठीक है रिएक्शन का रिएक्शन दे दिया मतलब ऐसे ऐसे ये बंदा बैठा है कैमरे के आगे किसी बंदी को जो है बुरा भला कह रहा है और पीछे बीवी जो है बैठ के और उसे कोई पता नहीं मैंने किस तरीके से उठना है बैठना है किस तरह का बिहेव करना है आ, जा रही है और जो है कपड़े सूंघी जा रही है उसको तो जहनी प्रॉब्लम का मसला है मेरे हाल से जब उसे बेहोश होना चाहिए था बीमार होना चाहिए था उस टाइम वो नहीं हुई नौशी मुल्तानी का रिएक्शन देखा और बेहोश हो गई और वो भी मोबाइल मार्केट में चलते चलते हो अचानक ख्याल आया कि नौशी का मैंने व्लॉग देखा था बस ना ना बेहोश हो जा खुदा का नाम लो इतनी लंबी चौड़ी बकवासियत क्यों करते हो क्या मिलता है तुम लोगों को मैंने ये बात की ही नहीं है मैंने की है वो क्लिप निकालो मुझे दिखाओ झूठ 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 भरा पड़ा इनके अंदर मेरी वो वीडियो उठाए जहां पे मैंने ये अल्फाज बोले और और एक बात इसने एक पॉइंट किया कि इसने नाना के माँ के बारे में कहा है कि उसने दूसरी शादी कर ली थी फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास भाग गई थी मैंने नहीं ये कहा था मैंने ये कहा था जज्बात में आके फैसले नहीं करते होते आज अगर ये रो रहे हैं आज ये जुदा जुदा रिश्ते हैं अगर ये जज्बात में आके फैसले ना करते ये भी आपकी नाना ने ही कहा है कि मेरी अम्मी ने जो है हमारी शादी से तीन महीने पहले वो भाग गई थी उन्होंने जो है शादी कर ली थी और ये मामा ने ही कहा था कि जब अकबर की और इसकी रुबीना की लड़ाई होती थी तो नाना मुझे फ़ोन करती थी फिर मैं भाग के जाता था अपनी बहन को लेकर आ जाता था ये मैंने नहीं कहा ये मेरे अल्फाज नहीं है ये उन उन्होंने कहे तो हम लोगों ने उसका रिएक्ट किया है रिएक्शन दिया है तो उसको मरोड़ तरोड़ के आप जिस तरह से घुमा फिरा के बात कर रहे हैं और दूसरी बात ये गंदी जबान अगर इस्तेमाल करेंगे ना मेरी इससे भी गंदी है ये बात याद रखें लेकिन मैं अपनी लिमिट नहीं भूलती मैं अपनी तबीयत नहीं भूलती ठीक है ना और मुझे भी पता है कौन सा पीछे से कौन से कितने घराने का कितने पानी में है कितने नेक लोग हैं मेरे पे जो तांट मार रहे होने मैं नाचूं गाऊं उछलूं कूदूं कोसा कोसा करूं नागन नागन करूं तुम लोगों के पिछवाड़े में डरते तुम लोगों से लेके खाती हूं मैं लोगों के पढ़े। तो जी जनाब ये जो है आ, भाई ये जो है इसने क्यों कहा कि टैग हटाऊं मैं क्यों माफी मांगू ना मांगू हमें क्या तुम है तुम लोगों के रिश्ते हैं और ये हमें पता है कि कल को एक हो जाने अब जैसे जज्बात में आके दिलबर ने वीडियो बनाई मैं माँ और बहन को नहीं मिलूंगा मेरे लिए तो मर गए मैंने रिएक्शन दिया मैंने कहा ये जज्बात में आके इस बंदे ने ऐसा कहा है कल को ये एक ही होंगे वैसा हुआ वही हुआ <laughs> वही हुआ और मुझे पता होता है जब मैं रिएक्शन दे रही होती हूँ मुझे पता होता है मैंने कितनी हदूद में रह के बात करना है मेरी वजह से किसी को ठेस ना पहुंचे मैं जातीत पे नहीं जाती मैं किसी के करेक्टर लेस उसको नहीं कहती ये तुम्हारे अल्फाज हैं तुम कह रहे थे सितारा यासीन के लिए कल अपनी वीडियो में मैंने नहीं कहा मतलब अजीब है ये अपने ही घर की बंदियों को जो है गंदा करते हैं कि हजार हजार में मैं जाती है फलाना करती है कॉल गर्ल है ये तुम्हारे मुंह से लफ्ज निकले हैं मैं नहीं कहती होती मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज ना तुम्हारी बीवी के लिए निकले हैं ना तुम्हारी खालजार सितारा के लिए निकले हैं क्यों करूं मैं ऐसे अल्फाज यूज मुझे पता है मैंने कितनी हद में रह के बात करनी है लेकिन झूठ कम बोला करें शायद इसलिए रौनक नहीं है आपके फेस पे ये अल्फाज मैंने नहीं बोले कि वो दवाइयां खाती है तो फिर क्या हुआ मैं तो बॉडी शेमिंग करूंगी इतना शौक नहीं है मुझे भाई इतना शौक नहीं है यूज लेने हो मैं भी दुपट्टा हटा के यार छाती तान के बैठ जाऊं मेरा यहाँ पे लुल्लु किसी ने कुट लेना है आओ फिर बोलती हूँ सीधे अल्फाज क्या बिगाड़ हर बंदा पूरी दुनिया यूट्यूब पे आई हुई है हर किस्म के चीजें कर रही है आप नहीं है अपनी बीवी के पूरी बॉडी के ऊपर पूरी बॉडी नहीं आप ऊपर ऊपर तक रखते हैं यहाँ तक कैमरा हमने कभी कहा है कि आप उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं लेकिन आप करते हैं उसकी बॉडी शेमिंग आप उसको गलत तरीके से बयान करते हैं वीडियो में अच्छा जी यहाँ पे जो है हम बात करेंगे सलमा की सलमा ने जो है टाइटल लगाया हुआ था कि मैं अपनी बहन को जो है बुला रही हूँ सऊदी अरब जाहिर सी बात है वहाँ पे उनको चाहिए होगी हेल्प के लिए हेल्पर और फिर उन्होंने कहा कि दो एक महीने के लिए आप आ जाएं और मेरा जो है ख्याल रखें उनके मेरा हल में डिलीवरी के टाइम भी आने वाला है तो अब रुबीना जो है शायद वहां पे जाएंगी और वहां पे शायद जॉब भी करें जॉब भी अप्लाई करें या वैसे मिलें तो काफी बच्चे खुश हो रहे थे उन लोगों का हमने देखा ब्लॉग तो मेरे ख्याल से इन लोगों को जो है वो नहीं बन रहा इनका सेटअप नहीं बन रहा एक फैमिली का जैसे होता उखड़े उखड़े से दिल उखड़े उखड़े सी चीजें इस तरह से इनका सारा चल रहा है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि नाना जो है अपनी माँ की जुदाई का सुन के परेशान हो गई हूँ बीमार हो गई हूँ और उसके बाद जो है अम्मा जान परेशान हो रही थी बेटा नहीं जाती नहीं जाती आ, लेकिन ये मुद्दा डालें किस पे मुल्तानी पे डाल देते तो डाल दो मतलब कुछ भी है निकाल टी के सदी बंद हो जाए मुल्तानी ने की है किसी का पाद बंद हो जाए मुल्तानी ने किया है या किसी का लीक हो जाए कहेंगे मुल्तानी ने किया है टट्टी वेली है मुल्तानी बोलते हैं यार अच्छा जी यहाँ पे मामा जी की भी बात करेंगे मामा जी ने अपनी वीडियो में कहा सलाम फरूख किया सलाम तुमने मेरी भांजी को नहीं आने दिया तुम घर बैठ के भी तो ये बातें समझा सकते थे तो यही मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा अगर अपी नोशी गजनी गजनी नहीं हुई तो आ, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि ये वाले अल्फाज हम लोगों ने बोले थे ना कि घर की बातें घर में रखा करें किसी को याद है मुझे याद है मुझे याद है मुझे याद है मैंने ये अल्फाज बोले थे कि घर की बातें घर में रखा करें तो ये नाना ने ही कल जो है रवील की हैं कि मैं वहां मिलने गई थी और इन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया फिर मामा जी कह रहे देखें जी सलाम है आ, अपना खुदा बश के पता नहीं क्या नाम है उनका नाम ही ले रहे थे फारूक यासीन के जो ससुर भी हो गए वालिद भी हो गए उनके बारे में नजमा का जो वालिद है उसके बारे में <coughs> आपको भी सलाम है फ़रूक आपको भी सलाम है आपने जो है मेरी बेटी मेरी भांजी को नहीं मिलने दिया मैंने पहले ही कहा था इन लोगों को मुंह ना लगाओ इन लोगों के घर मत जाओ आ, ये लोग इस लायक नहीं है आ, मेरी माँ तो अब अपने घर भी आएगी तो मैं वहाँ पे भी नहीं जाऊँगा मिलने के लिए क्योंकि इनको कदर नहीं है इन लोगों को शूर नहीं है ये लोग सिर्फ यूट्यूब को ही सब कुछ समझते हैं तो यूट्यूब से याद आया कि मामा जी आपने भी ना वीडियो बनाई थी ना कि वो बाइकआउट करो सितारा ये लोग गंदे लोग हैं ये लोग बच्चों की तरबियत नहीं करते मतलब इस तरह की कुछ बातें की थी यूट्यूब पे आके की थी ना तो इसलिए आपका भी रिश्ता इनसे ख़राब हुआ अगर ये आप ख़ुद फ़ोन करके शायद बात करते तो लोगों को भी ना पता चलता तो खैर आप लोगों की अपनी जो है आ, क्या कहेंगे गरमा कहेंगे क्या कहेंगे गरमा कहेंगे या सरमा कह दो वैसे मुझे सरमा बड़ा पसंद है वो जो मीठा मीठा सा होता है तरबूज की शक्ल का ना 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 तरबूज का शक्ल यार जो भी शक्ल है ठीक है उसको छोड़ो खाने पीने की बात नहीं करते यहाँ पे तो यहाँ पे जो है आ, मामा जान जो है वो आ, बड़े नाराज़ हुए और कहा है कि मेरी भांजी को जो है इन्होंने नहीं मिलने दिया वो फूल लेके गई थी गजरे लेके गई थी लेकिन वो कौन सा वीडियो बनाती वहाँ पे उसने तो जाके सिर्फ नानी को मिलना था तो यहाँ पे शाहरुख साहब आपसे कहूँगी कि ये आ, जो उन्होंने मिलने नहीं दिया वो मुल्तानी ने रोका था मेरे पे मुल्तान डाल दो डाल दो सारी मेरे अंदर चलते हैं नहीं पता नहीं ये कहाँ से बातें निकालते हैं और कहाँ से कहाँ तक ये चीजें उठा उठा के मतलब ये खुद तो वार कर नहीं पा रहा लेकिन डायरेक्ट मुल्तानी पे केस डालना मतलब है मुल्तानी किया है मतलब मुल्तानी ने कर दिया तो भाई यहाँ पे अब मुझे कोई बैड कमेंट आया और अगर मुझे कोई भी होशी के दौरे पड़ गए ना मैं तुम लोगों पर ही डाल दू <laughs> कुछ भी मान लाओ डाल दो किसे थे। हो सकता है हो सकता है वही सदमा जो है नाना जी को लगा हो लेकिन खैर इनकी तबीयत शुरू से ही ऐसी रहती है ये गंदी बदबूदार चीज़ें बाहर की खाएंगे तो ऐसे ही होगा पीज़े दिखाए पिज़्ज़े खा रहे हैं कितने ऑयली होते हैं जंक्स फ़ूड होते हैं मुसलसल ये यही खाते हैं मतलब घर में सब्ज़ियाँ खा लें सलाद खा लें हाँ याद आए शीशा भी तो पीती हैं ना तो इस तरह के ठंडे खट्टे जूस पी के शीशा पी के उससे भी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है तो उसको ना कंट्रोल करवाएं ठीक है ना ये शीशा वगैरह जो पीते हैं और साथ में जंक फूड खाते हैं ये मत खिलाया करें उससे हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से तबीयत खराब होती है भाई ख्याल रखा करें इकलौती बीवी आपकी आप ख्याल रखा करें ठीक है ना और ये जो कैमरा आप बार बार यहां यहाँ पे रख के उसको दिखाते रहते हैं ना बॉडी शेमिंग आप करते हैं सबसे बड़े दुश्मन बीवी के आप ही हैं पता नहीं आ, उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं क्या है मुझे समझ नहीं आ रही है यूज का चक्कर है शायद ऐसे भी हो सकता है ना के चक्कर हो और आप जो है बॉडी शेमिंग करते हैं अपनी बीवी की और जहाँ पे मैंने ये अल्फाज बोला है न, प्लीज ना प्लीज लाजमी मुझे निकाल के दिखाना मैं पी के नहीं बैठी होती यहाँ पे होशोहवास में बैठ के फिर रिएक्शन देती हूँ बेहोशी के दौरे नहीं पड़ते मुझे ठीक है ना आप ये इल्जाम मेरे पे ना लगाएं ठीक है, है? <coughs> घर की बातें घर में रखें मामा जान ये मैंने पहले ही कहा था और ये चीजें जो हैं हम लोग अगर रिएक्शन दे रहे हैं ना तो हम लोग जिम्मेदारी के साथ दे रहे होते हैं हमें पता होता है कि हमने कितने लिहाज के साथ बैठ के बात करनी है या कितने तरीके के साथ बैठ के बात करनी है ये गुजरी हुई बातें जो हैं ये हमने पहले की थी कि आप लोग अपने रिश्ते ख़ुद ख़राब कर रहे हैं खुदा रहा ये चीज़ें बाहर मत निकालें तो आज आप दुखी हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं मैंने तो पहले कहा था ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं तो भाई इससे बेहतर था कि बच्चों को आप इन्वॉल्व ही ना करते बच्चों को आप वाई टी पे इस तरह की चीज़ें ही अलाउ ना करते कि अगले लोग जो हैं आप लोगों से नाराज़ हों सीधी सी बात है ना कि अगले बंदे आप लोगों से नाराज हों और आप लोगों से मिलना ही गवारा ना करें यहाँ पे जो है नैना के हस्बैंड का कहना था कि भाई हम मेरी अम्मी ने दावत दी है वो तो दावत भी खा के गए हैं बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने दावत भी खाई है तो अच्छी बात है आपने वो नहीं दिखाया दावत खिलाते हुए तो फिर आप लोगों ने वाई टी पे ये क्यों रखा कि हमें मिलने नहीं दिया गया अच्छा इनका यह भी कहना था कि व्यूवर्स वगैरह ये वाई पे जो लोग हैं ये कहते हैं कि नहीं मिलना इन लोगों से नहीं मिलना इस वजह से वो नहीं मिले क्या वो इनके अंडर रहते हैं दुनिया हर टाइम कैमरा तो कोई नहीं खोल के बैठा ना हर टाइम कोई भी कैमरा खोल के नहीं बैठा कि हर चीज व्यूवर्स को दिखाएं तो इसीलिए अगर आप लोगों की वाकई सुलह सफाई होती तो जो है आज ये चीज़ ना देखने को मिलती कि भाई उन्होंने नहीं मिलने दिया या नैना की तबीयत ख़राब हो गई या मसला हो गया तो ये जज्बाती बन में आके इस तरह के बयान देना तजाद फैलाना नफ़रत फैलाना मतलब ये शुरू से चलता आ रहा है इनमें शुरू से और ये प्लानिंग होती है ब्लैक मेलिंग कहने इमोशनल तरीके से इमोशनल ब्लैकमेलिंग के भाई हम मुद्दा दूसरों पे डालते रहें मासूम बनने का नाटक ये कह लें तो भाई ये चीजें जो है ना पहले ही बंदा सुधार के चलता है आप अपने में क्वालिटी ऐसी पैदा करें कि लोग आपको प्यार करें और आपको धुतकारे ना तो आप लोग अपने में क्वालिटी ऐसी पैदा करें ना कि आपसे आपसे कोई नफरत ना करे तो आप जैसे जिठाई से कह रहे मैं क्यों किसी से माफी मांगू मैंने कौन सा उसे कॉल गर्ल कह दिया <laughs> ये तो आपको पता है आपने क्या क्या बोला है तो वो तो फिर पूरी दुनिया ने भी देखा खैर हमें इससे क्या लेना देना क्योंकि ये लोग फिर कल को एक होंगे तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है मेरा काम है जस्ट रिएक्शन देना मैं रिएक्शन का रिएक्शन देती हूँ मैं किसी की जातियात पे कोई इल्जाम नहीं लगाती और अगर मेरे पैनल पे कोई बैठ के भी इस तरह की कोई बात करे तो मेरी बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि जातीयात पे हमने कभी भी नहीं जाना मेरा हक ये नहीं बनता मैं यहाँ पे बैठ के जाती आते जाऊँ दूसरी बात बेबो की करेंगे हाय रे बेबो वेबो मैं वेबो वेबो पहुंच गई जनाब अपने हस्बैंड के घर पहली बीवी के घर और कहती मैं दबंग तरीके से अपने देवर को लिया और मैं जल्दी से जो है चौधरी के घर पहुंची और मैं जैसे ही उसके बच्चे ने दरवाजा खोला मैं अंदर घुसी मैंने एक कमरे में देखा दूसरे कमरे में देखा तीसरे कमरे में चौधरी नहीं था उस घर में मैं चौधरी को ढूंढ रही थी और चौधरी जो था घर में नहीं था फिर मैं फौरन वापस आ गई उसकी बीवी कहती रही क्या हुआ क्या ढूंढ रही हो मैंने कहा मेरा चौधरी कितने उसने कहा कि भाई दो दिन हो गए चौधरी तो घर में है ही नहीं ठा 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 की आवाज़ बेबो कहती हाय छात्री तू कि तीसरी कोलते नहीं गया <laughs> ये अल्फाज थे तकरीबन कि भाई ये कहीं और गुल उड़ा रहा है इसका तो हिसाब मैं ले कर रहूँगी चौधरी इसका मुझे हिसाब दे कि तूने पिछला वीक भी कहा था और ये जो दो दिन है इसका भी मुझे हिसाब दे क्योंकि मैं चौधरी के निकाह में हूं मैं अभी उससे टूटी नहीं हूँ ये है बेबो का कहना और अच्छी बात है यार इस तरह के अल्फाज होने चाहिए बीवी बोल सकती है क्या कहते हैं मान के साथ अगर आप उनके इनका में हैं तो आप मान कर सकती हैं पूछ सकती हैं आप कहाँ पे हैं फिर कहती कि भाई मेरे देवर से मैंने कॉल करवाई पूछो इससे ये कहाँ पे है तो मेरा भी बताया उन्होंने तो फिर वो नाराज़ हो रहे थे ये क्यों आई है ये है वो है तो इस तरह करके तो अभी भी मेरे हाल से इनकी सुलह जो है वो नहीं हुई और शायद मुझे लगता है थोड़ा सा एहसास हो जाना चाहिए बेबो जी को भी कि भाई वो कही न कहीं ना कहीं गलत रस्ते पे जा रही थी कहीं ना कहीं वो गलत कर रही थी <coughs> कि उनका रिश्ता ख़राब हुआ और हस्बैंड नाराज़ हो गए तो वहाँ पे जो है शमीम का भी हमने देखा तो शमीम भी उन्होंने टाइटल लिखा हुआ था वेलकम बेबो तुम अगर लाहौर आओ तो फिर मुझे लाजमीन मिलना और हाँ uh, एनिवर्सरी भी जो है उन्होंने uh, <laughs> इनको बोला हैप्पी एनावर्सरी भी बोला और हैप्पी एनावर्सरी वो कह रही थी कि तनज तरीके से उसने मुझे बोला है और मुझे नहीं पता ये दोनों क्या चाहते हैं मेरे से ये है वो है इस तरह के इनके अल्फाज थे खैर जो भी है यार इनका सबका भला हो जो भी हो रहा है शुक्र है बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से जो हो रहा था वो अब थमना शुरू हो गया है थम ही जाए तो अच्छा है और बाकी रही नाना की बात नाना आपको अल्लाह सलामत रखे जंक फूड ना खाया करो शीशा ना पिया करो पीजे मत खाओ और इधर की बात उधर ना करोगी तो तुम्हारी तबीयत फिट फाट रहेगी डाइटिंग की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे मेरी माँ डाइटिंग की तरफ हम लोगों के पांच पांच बच्चे हो गए हमसे भी बड़ी बड़ी लगना शुरू हो गई है ये भैंस इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त न्यू लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें भी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं बाकी सारे जो हैं जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो और आप खुश रहें इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़